We have already discussed about what is force, effects of force. What is force? Any kind of push and pull on any object is termed as force. And effect of force हम पढ़ चुके हैं. हम किसी भी body पर अगर force apply करेंगे तो क्या effect होगा? हम किसी भी rest या stationary object को movement में ला सकते हैं या किसी motion वाले object को जो already movement में है हम उसे rest में ला सकते हैं. Speed increase कर सकते हैं, decrease कर सकते हैं, change कर सकते हैं shape और change कर सकते हैं direction किसी भी object का. ये सब हम previous video में पढ़ चुके हैं. Today's topic is types of forces. Force अगर हम किसी object पर लगाते हैं तो वो भी दो तरीके का होता है. First contact force and second non-contact force. Contact force का meaning है ऐसा force जिसके साथ जो एक लगाने वाला object जो force लगा रहा है और एक दूसरा object जिस पर हम force लगा रहे हैं. अगर दोनों एक दूसरे के contact में आते हैं that will be termed as contact forces. और अगर हम किसी एक object किसी दूसरे object पर force लगा रहा है लेकिन वहाँ कोई contact नहीं है. जैसे सबसे अच्छा example है gravitational force. अगर हम किसी ball को ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे की side आती है because of gravity. तो gravitational force और ball के बीच में कोई भी contact नहीं है, earth और ball के बीच में. तो contact force और non-contact force, contact force में needed है, needed a contact force. It is the force that is applied as a result
के मसल्स हैं उनसे जो फोर्स लगाते हैं दैट विल बी नोन एज मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स इज यूज व्हेन यू पुल पुश लिफ्ट किक एंड बेंड एक्सेट्रा एन ऑब्जेक्ट. मस्कुलर फोर्स कब अप्लाई होता है, जब हम किसी भी चीज को किक करते हैं, पुल पुश लिफ्ट किसी भी चीज को उठाते हैं, बेंड करते हैं, मोड़ते हैं, तोड़ते हैं, देन जो फोर्स अप्लाई होता है वो होता है मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर पावर ऑफ एनिमल्स इज यूज टू ड्रॉ कार्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. बैलगाड़ी आपने देखी होगी, घोड़ा गाड़ी भी देखी होगी, तो उसमें भी मस्कुलर फोर्स यूज होता है ऑफ एनिमल्स. प्लगिंग द फील्ड, खेत जोतने के लिए काम आते हैं बैल. ड्रॉइंग वाटर एक्सेट्रा. इवन द वेरियस फिजिकल प्रोसेसेस परफॉर्म बाय आवर बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स. द पुशिंग डाउन ऑफ फूड बाय ऑस्फागस और फूड पाइप. कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन आपने सेवेंथ क्लास में पढ़ा है, ऑस्फोगस वगैरह, और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम सिक्स क्लास में भी है. तो ये जो है ये भी एक तरह का मस्कुलर फोर्स ही है. पंपिंग ऑफ ब्लड बाई हर्ट. हर्ट जो काम कर रहा है ब्लड को पंप करने का, ये भी मस्कुलर फोर्स के अंदर ही है. द एप्लीकेशन ऑफ मस्कुलर फोर्स. तो यहाँ पर फिनिश होता है मस्कुलर फोर्स. तो मस्कुलर फोर्स हम समझ सकते हैं कि मसल्स जो हमारा फोर्स अप्लाई करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, हो सकता है या इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी. तो ऐसा फोर्स जो मसल्स अप्लाई करती है, हमारी बॉडी की मसल्स यूज में आती है, दैट विल बी टर्म्ड एज मस्कुलर फोर्स. सेकेंड इज फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स इज एन अपोजिंग फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन कॉन्टेक्ट विद वन अनदर. फ्रिक्शन फोर्स मैं आपको समझा देती हूँ. जैसे हम चल रहे हैं तो हमारा पैर है वो आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो हमारे पैर के अपोजिट भी एक फोर्स ऑलवेज वर्क करता है. ये आप नाइन्थ क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि जब भी हम कहीं भी कोई फोर्स लगाया जाता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी इक्वल क्वांटिटी का फोर्स अप्लाई होता है. हम जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट भी हम पर उतनी ही क्वांटिटी का फोर्स लगाता है. अब रीजन ये हो जाता है, जैसे हम किसी छोटे पत्थर को किक मारते हैं, हम पत्थर को किक मारते हैं, पत्थर भी अपना अपोजिट फोर्स लगाता है हम पर, लेकिन हमारा साइज बड़ा होता है तो हम ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं, ज्यादा न्यूटन में लगा सकते हैं. पत्थर अगर छोटा है स्टोन, तो वो हम पर कम क्वांटिटी का फोर्स लगाएगा, दैट्स वाई वो हम पर नहीं लगा सकता है, हम उसको फेंक देते हैं पैर से. सिमिलरली आप अगर किसी बड़े स्टोन को पत्थर मारेंगे जो आपसे मास में वेट में ज्यादा है, तो उसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा आपसे, दैट्स वाई हम पत्थर मारते तो हमें ही लगती है. तो क्वांटिटी जिधर फोर्स की ज्यादा होगी डायरेक्शन वही जाएगा या फिर फोर्स वही अप्लाई हो सकता है. इसी को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, कि हम जो भी फोर्स लगा रहे हैं जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है हम पे वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है. मस्कुलर फोर्स मसल्स का फोर्स है, वो उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं, बट फ्रिक्शनल फोर्स एक अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स है. इट्स स्लो और स्टॉप मूवमेंट बिटवीन द टू सरफेस दैट आर टचिंग. ये किसी भी मोशन वाले ऑब्जेक्ट को स्लो कर सकता है. रफ सरफेस कॉज मोर फ्रिक्शन देन द स्मूथ वन. जो जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा, खुरदरा सरफेस होगा, वहां पर फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होता है. जो तेल ऑयल वगैरह यूज किए जाते हैं ये हमेशा फ्रिक्शन कम करने के लिए यूज किए जाते हैं एज अ ल्यूब्रिकेंट्स. इट इज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन. ये अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है. यू वुड नेवर हैव बीन एबल टू वॉक और स्टॉप इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. अगर फ्रिक्शनल फोर्स ही नहीं होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट फोर्स है लेकिन नीडेड है, हम चल ही नहीं सकते हैं, हम दौड़ नहीं सकते हैं अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स फिनिश हो जाएगा तो. व्हेन यू थ्रो ए बॉल इट रोल्स फॉर सम टाइम एंड देन स्टॉप्स. आपने देखा होगा कि हम अगर किसी बॉल को भी फेंकते हैं तो कुछ देर तक वो चलती है जब तक आपका फोर्स अप्लाई होता है, जब तक आपके फोर्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है. जहां पर फ्रिक्शनल फोर्स क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, आपके फोर्स की क्वांटिटी कम होगी, वहीं पर बॉल रुक जाती है. इसके बाद दिस इज ड्यू टू द इनविजिबल फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड. दिस फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टेक्ट विद ग्राउंड. मोस्टली जो फ्रिक्शनल फोर्स ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में ही आगे लगता है जब हम किसी सरफेस के कॉन्टेक्ट में आते हैं. ए बोट सेलिंग इन वॉटर विल ऑल्सो स्टॉप इफ नो फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट. ये कह रहा है
व्यक्ति अगर पानी में जो नाव चलती है वो भी रुक सकती है अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो. इन अदर वर्ड्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द मीडियम इन विच इट इज एट रेस्ट और इन मोशन. फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है जब या तो रेस्ट में हो कोई भी ऑब्जेक्ट या मोशन में हो कोई भी ऑब्जेक्ट, उस पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन. द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड ट्राइबोलॉजी. ट्राइबोलॉजी ब्रांच है जो रिसर्च करती है फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में. जिसने स्टडी की है फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, इन्वेंट किया है, दैट इज टर्म्ड एज ट्राइबोलॉजी. नाउ नेक्स्ट फोर्स इज मैकेनिकल फोर्स. व्हेन ए बॉडी मूव्स विद द हेल्प ऑफ ए मशीन. कोई भी बॉडी, मैकेनिकल नेम से ही पता है मशीन, किसी मशीन की हेल्प से फोर्स लगा रही है, दैट इज मैकेनिकल फोर्स. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मशीन इज कॉल्ड द मैकेनिकल फोर्स. द कार इंजन एक्सर्ट ए मैकेनिकल फोर्स ड्यू टू विच द कार मूव्स. ये कह रहा है जो कार चलती है या इसमें भी फोर्स है लेकिन मैकेनिकल फोर्स है. हम मस्कुलर फोर्स नहीं लगा रहे हैं, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, मशीन है वो अपना फोर्स लगा रही है, दैट्स व्हाई कार आगे की तरफ चलती है. देन यू हिट ए नेल विद ए हैमर और फिक्स ए स्क्रू यूजिंग ए स्क्रू ड्राइवर. मैकेनिकल फोर्स इज इन्वॉल्व. हम अगर एक हैमर से स्क्रू लगाए और एक स्क्रू ड्राइवर से, स्क्रू ड्राइवर हैमर वाला जो फोर्स है दैट इज मस्कुलर फोर्स, एंड स्क्रू ड्राइवर वाला मशीन वाले जितने भी फोर्स होंगे वो सभी मैकेनिकल फोर्स होंगे. मशीन्स टू एक्सर्ट फोर्स बाय देमसेल्व्स, खुद से ही लगाती है मशीन फोर्स. दे नीड एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज टू एक्सर्ट फोर्स. अब फोर्स मशीन में अपने अंदर नहीं होता है, उन्हें भी एक एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होता है फोर्स एप्लीफिकेशन के लिए. तो यहाँ पर आप सभी के ये फोर्सेस कंप्लीट हो चुके हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस. नाउ वी विल स्टार्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जहां पर दो ऑब्जेक्ट्स को कॉन्टैक्ट नीडेड नहीं होता है. पेज नंबर 123. अब वापस से मैग्नेट से अगर एक आयरन ऑब्जेक्ट चिपका हुआ है तो आप लोग उनको अलग करेंगे,
इसके बाद द फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर, कैसा भी हो सकता है, अगर सेम है पॉजिटिव पॉजिटिव देन रिपल्सन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा. द फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर द एक्स फ्रॉम अ डिस्टेंस. इसके लिए भी कॉन्टेक्ट जरूरी नहीं है, एक डिस्टेंस से वर्क करता है ये. लाइक ए मैग्नेटिक चार्ज बॉडी ऑल्सो हैज ए फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस विद इन विच इट एक्सर्ट द फोर्स. नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स जितने भी होंगे उन सभी की एक लिमिट होती है, एक जगह होती है, एक फील्ड होता है जहां तक ही उनका फोर्स वर्क करता है. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डीमॉन्स्ट्रेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए एक्टिविटी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. यहाँ हम कंप्लीट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, पेज नंबर 124 पर है. Magnetic and electrostatic, दोनों